क्या बात है यार, RC 200 या फिर Duke 200, इन दोनों में से ना कौन सी ज़्यादा बाइक पसंद है, तो आप ये कमेंट करके बताओ। क्रेजी लेवल में पहुंच जाती है भाई साहब इसकी जो पावर है भाई। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद गलत ले लिया इधर से। Alright, ladies and gentlemen, welcome back to the channel, welcome back to the new fresh video with a new fresh vlog. भाई आज निकल रहे हैं रात में निकलने का सीन कुछ ऐसा है गाइस कि अपने को ना पूरे दिन कोई भी ऐसा टाइम नहीं मिल पाया कि निकला जाए। क्या बात है यार, और मौसम हो चुका है एकदम ज़बरदस्त वाला, यानी कि बारिश बारिश वाला मौसम, और क्या ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो उस दौरान क्यों ना अपनी KTM RC 200 के साथ एक बढ़िया सा मोटो व्लॉग करें और आप लोगों से बातचीत करें। तो लोग कैसे चला रहे हैं, ओहो क्या बात है गाइस, क्या बात है यार। सो जी देखो, आज तो जाम लगना था, मिलना तो 100% रहेगा क्योंकि कहीं से भी ना साइड में कटवट का हिसाब कुछ है नहीं। हो क्या बात है भाई, पावर के मामले में ना ये बाइक इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि गाइस आप ना मन तो इससे भरेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अब अपने को ना रास्ता कहीं से भी कट वाला नहीं मिलने का यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, और बहुत ही लंबा घूम के आना पड़ेगा तब जाके कट मिलेगा। वैसे मेरे को जाना तो अपोजिट वाली रोड पर था, लेकिन जब तक कावड़ यात्रा ख़त्म नहीं होती ना तब तक ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऐसी ही रहने वाली है। और जैसा मैंने सोचा था ना कि रात में थोड़ी सी भीड़ अपने को कम मिलेगी, तो एज़ यूजुअल भीड़ तो कम है नहीं, भीड़ ज़्यादा ही है यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओ हो भाई क्रेजी लेवल पे पहुंच जाती है भाई साहब इसकी जो पावर है। आपको गाइस कैसी लगती है इसकी पावर, इसका एग्रेशन, इसका फील, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको बढ़िया फील आती है नहीं आती है यहाँ से। हाँ जी खुला हुआ है तो यहीं से निकलते हैं, तो अपने को उस वाली रोड पे जाना है वैसे तो ठीक है। और भीड़ अच्छी खासी वाली मिलती है भाई, अच्छी खासी वाली, मतलब एक तो भीड़ होती है यार, मैं यहाँ से गलत ना निकल जाऊँ, अगर यहाँ भीड़ मिलेगी ना तो बस हो गया यार भाई। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद गलत ले लिया इधर से। ओए होए भीड़ देख रहे हो गाइस, क्रेजी वाली भीड़ हो रही है भाई। ओए नहीं अब भैया, निकाल दी है तो निकालेंगे भी यहाँ से। जाम में अगर फंस रहे हैं तो जाम से बाहर भी निकलेंगे थोड़ा सा। एक तो ना लोगों को गाड़ी वाड़ी चलानी आती नहीं है, लेके तो आ जाते हैं ये, लेकिन चलाते वलाते है नहीं ढंग से। क्या बात है यार, फील एकदम ना भाई रॉकेट हो जाती है इस वाली गाड़ी में आते ही, और ऐसी रोडों पे अगर पंप अप मिल जाए ना तो भाई बड़ा ही क्रेजी हो जाता है। निकलने दे यार, सड़क ही घेर के चल रहा है। निकलने दे नहीं रहा है यार, क्या है यार, पता नहीं है कि KTM आ रही है, द पावर ऑफ मशीन। निकलने दो यार भाई, आज तो सही में क्रेजी वाला हिसाब हो गया, लेकिन अपने को इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए ऐसी जगह पे। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है इस बाइक को लेकर, कि ये बाइक सही में बवाल है कि नहीं है, आप कमेंट करके बताओ ज़रूर कि आपको ये गाड़ी RC 200 या फिर Duke 200, इन दोनों में से ना कौन सी ज़्यादा बाइक पसंद है। तो आज ये कमेंट करके बताओ कि आपको Duke ज़्यादा पसंद है या फिर RC ज़्यादा पसंद है, तो आप कमेंट करो और बताओ कमेंट करके। गाड़ी वाले ऐसी जगह पे जब घुस जाते हैं ना तो भाई ना तो खुद निकलते हैं ना ही हमें निकलने देते हैं यार,
ओ भाई अपनी पुरानी अपना पुराना प्यार RS 200 भाई। ये गाड़ी भी ना कमाल की गाड़ी है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, कमाल की जिसे कहते हैं। अरे यार क्या करके मानोगे यार, आप निकलने दो यार अपने को। अभी देखो इतनी बड़ी गाड़ी लेके इतनी ऐसी जगह पे निकल जाओ यार, क्या निकल पाओगे तुम। लेकिन भाई साहब लोग भी ना ताराबाई जोगिंदर हो रहे हैं, तो वो चलता है ना कि क्या नाम है, ताराबाई जोगिंदर इतनी बड़ी गाड़ी ले जाएगा, इतनी बड़ी गाड़ी ले जाएगा किसी ने सोची ना होगी भाई। सही है यार, हम तो सोचते ही नहीं वैसे भी। सो गाइज आपको ये वीडियोस वगैरह कैसी लगती हैं यार, आप कमेंट करके बताते नहीं हो यार, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। और आपको ना कोई भी क्वेरी चाहिए हो KTM RC से रिगार्डिंग या फिर अपनी बजाज एवेंजर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो आप मेरे को, और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो हर किसी भी चीज़ के बारे में, RC के बारे में, KTM के बारे में, आपको कमेंट करके मैं बता दूंगा, मैसेज करके बता दूंगा। तो गाइस डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो गाइस, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो यार सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। बाकी गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो भी आप एक लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि बस एक लाइक की आपकी ज़रूरत है, एक एक लाइक बड़ा ही ज़्यादा मोटिवेशन फील करवाता है गाइस। होप सो गाइस एंजॉय कराओगा आपने ये व्लॉग, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।